नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस का क्या मतलब है कि अगर आपने जो जितना भी पैसा एसेट से रियलाइज किया है, या जो आपके पास कैश बचा हुआ है, या आपको कुछ सरप्लस मिला है, या आपने जो शेयर होल्डर्स हैं उससे कोई कॉल की है, जो उन बची हुई अनकॉल अमाउंट जो थी, उसमें से जब आपने अपनी सारा अपने लिक्विडेटर का रेमोनरेशन पे कर दिया, आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर दिए, डिवेंचर्स को पे कर दिया, आपने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, सब कुछ पे कर देने के बाद भी जब आपके पास पैसा बच जाता है, जो सरप्लस बच जाता है, उसका हमें क्या करना है, ठीक है। तो अगर सब कुछ पे कर देने के बाद भी पैसा बच जाता है तो उस पैसे के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होता है, ठीक है। अगर कुछ और ना कह रखा हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक होगा, तो जो भी पैसा लास्ट में बचेगा वो उनको मिलेगा। बट अगर आपको स्पेसिफिकली ये मेंशन कर रखा हो कि ये जो सरप्लस आपके पास बचा हुआ है, इस सरप्लस में से कुछ हिस्सा आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना है, उनका भी कुछ हक बनता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस जो भी सरप्लस लास्ट में बचेगा उसमें से पहले हम प्रेफरेंस को पे कर देंगे, जितना भी उनका उनको कह रखा है पे करना, और बाकी हम पे कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। दोबारा से तो क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लिक्विडेशन में जा रही है, 1 जनवरी 2008 को लिक्विडेशन में गई है। द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेमुनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। एक खास बात ध्यान देने वाली जो यहाँ पे है वो ये है कि इसमें कह रखा है 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स का नाम नहीं ले रखा है। इसका मतलब है लास्ट में जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दोगे, टोटल अमाउंट जो बचेगी, जो प्रेफरेंस और इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, वो टोटल अमाउंट, उसके ऊपर आपको रेमुनरेशन निकालना है, कमीशन निकालना है, ना कि जो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगी वो। यहाँ पे हमें टोटल शेयर होल्डर्स का को ध्यान में रखना है। द लिक्विडेटर सोल्ड आउट द एसेट, तो आपको क्या क्या रिसीव हो रहा है, सेल ऑफ एसेट से जो कैश रियलाइज हुआ है वो 7 लाख, फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, आपके पास क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 95,200 के, जिसमें से 8,400 के आपके सैलरीज फॉर 1 मंथ है, ये आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन में आता है। तो ये 8,400 आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और फिर जो बैलेंस बच जाएगा आप इसमें से 8,400 माइनस कर दोगे, वो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। आपको प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर डिविडेंड आपको पे कर रखा है, आपने सिर्फ 2006 तक का डिविडेंड पे कर रखा है, यानी 2 साल का एरियर है। लेकिन क्या हमें, अगर हमें कह रखा है कि आपको एरियर पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ 1 साल का डिविडेंड उनको दे देंगे। फिर आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं, जिसमें से एक सिर्फ आप 10 रुपये थे उसकी वैल्यू, और आपने 9 रुपये ही कॉल कर रखे हैं। तो अगर हमें कह रखा होगा कि आपने 1 रुपये कॉल किए हैं, तो हम कॉल करके उसको रिसीव दिखा देंगे, अदरवाइज हम इसको छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का हम कुछ नहीं करते। अब आपको ये कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस। तो लास्ट में सरप्लस जो बचेगा, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देने के बाद, उसमें से 1/3 आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है, फिर जो बच जाएगा वो दोबारा से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर देना है। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, बना लेते हैं हम स्टेट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें कैश रियलाइज हुआ है फ्रॉम एसेट्स, 7 लाख। तो हमारे पास, मेरे पास हाथ में सिर्फ यही पैसा है 7 लाख, और इसी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे मुझे पहले मुझे लिक्विडेटर का रेमुनरेशन देना है, मुझे शेयर होल्डर्स के ऊपर भी देना है, और एसेट के ऊपर भी। तो सबसे पहले मैं एसेट का निकाल लूँगी, शेयर होल्डर्स का मुझे, क्योंकि वो फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, तो मुझे ये पहले ये निकालना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स के लिए एक्चुअल अमाउंट कितनी बचती है, बैलेंस क्या बचता है। तो सबसे पहले मैं एसेट के लिए निकालूंगी, मेरे पास कमीशन की रेट दे रखी है इन्होंने 3%, तो 3% जब मैं इसके ऊपर निकालूंगी तो हो जाएगा मेरा 21,000, ठीक है, इतना मेरा कमीशन बनता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमें पे करने हैं लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 12,600, ठीक है। इसके बाद हम पे करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये मुझे दे रखे हैं 8,400। फिर मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे करने हैं
और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जब मैं निकालूंगी 95,200 में से मैं 8,400 को माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 86,800। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मेरे पे हो गए। इसके बाद मुझे क्या पे करना है, प्रेफरेंस, और मुझे एरियर के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मैं सिर्फ इसकी कैपिटल पे कर रही हूँ और इसका एक साल का डिविडेंड। तो कैपिटल के बनते हैं इसके 2,10,000 और डिविडेंड का बनता है इसका एक साल का, अगर मैं इसके ऊपर डिविडेंड निकालूँ 6% तो ये बन जाएगा मेरा 12,600। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 2,22,600। यहाँ तक मैंने सब कुछ पे कर दिया। ओके, अब मुझे बाकी का जो बच जाएगा वो इक्विटी को देना है। अब देखते हैं कि ज़्यादा बचता है या कम बचता है इक्विटी को। मेरे मुझे जो क्वेश्चन में बोल रखा है इक्विटी का, वैसे तो 1,26,000 रुपये पे करना है। ठीक है, अब देखते हैं 26 से ज़्यादा बचेगा या कम बचेगा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं लिक्विडेटर का रेमुनरेशन निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे यहाँ के बाद दोनों शेयर होल्डर के लिए जितनी टोटल अमाउंट बच जाएगी उस पर निकालना है। 7,00,000 टोटल था हमारे पास पैसा, इसमें से मैंने 21,000 एक कमीशन पे कर दिया, 12,600 मैंने एक्सपेंसेस पे कर दिए, 8,400 मेरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, अनसिक्योर्ड हो गए मेरे पास 86,800। तो अब मेरे पास जो पैसा बच गया वो बच गया था 5,71,000, ये टोटल शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल पैसा था। इसके ऊपर मुझे कमीशन निकालना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कह रखा है कि शेयर होल्डर्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूट आपने जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पर आपको कमीशन निकालना है, ना कि इक्विटी या प्रेफरेंस। तो दोनों के लिए जितना पैसा बचा उस पर मैंने कमीशन निकाल लिया। ग्यारह हज़ार दो सौ ठीक है, तो 11,200 कमीशन आ गया, ये हो गया कमीशन। ठीक है, इसमें से जब मैं 11,200 रुपये माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो अमाउंट बच जाती है वो बच जाती है 5,60,000। 5,60,000 मेरे पास बच जाते हैं अब दोनों शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसमें से 2,26,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए, सॉरी हाँ 2,22,600। ठीक है, तो ये 2,22,600 मैंने प्रेफरेंस को दे दिए। अब मेरे पास जो अमाउंट बच जाती है वो बच जाती है 3,37,400। अब मेरे हाथ में पैसा रखा हुआ है 3,37,400। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मुझे देने हैं अपनी अकाउंट्स के हिसाब से, मुझे देने हैं 1,26,000। मैंने चलो 1,26,000 इनको पे कर दिया। जब मैंने 1,26,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिया तो मेरे पास बच गया 2,11,400। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मुझे क्वेश्चन में ये ना कह रखा होता कि सरप्लस जो अमाउंट बचेगी उसमें से 1/3 मुझे प्रेफरेंस को देना है तो मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देती, मुझे इनका 1,26,000 पहले निकालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि मुझे कह रखा है कि सरप्लस में से पहले आपको प्रेफरेंस को देना है तो पहले इक्विटी का जितना बनता था वो निकाल दिया, अब जो बचा ना उसमें से सबसे पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका 1/3 हिस्सा जो बनता है वो पे करूंगी, और वो 1/3 हिस्सा बनता है इनका इस पैसे में से। ठीक है, तो इसका मैं 1/3 निकाल लूंगी, ये आ जाएगा आपका कुछ 70,467, राउंड ऑफ फिगर कर लेंगे तो 70,467।